दोस्तों, LTE एंड VoLTE, आज का हमारा क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं टेक डॉक में। मैं हूं डॉक्टर जय और हम शुरू करते हैं LTE एंड VoLTE के डिफरेंस के बारे में। LTE एंड VoLTE का फुल फॉर्म क्या है, मीनिंग क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होना है। तो LTE का मीनिंग है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE का मीनिंग है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसका मीनिंग है वॉइस के बारे में ज्यादा है VoLTE, और LTE वो जो है डेटा के बारे में ज्यादा है। ये डिजाइन किसके लिए हुए हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया कि LTE डिजाइन हुआ है डेटा ट्रांसफर के लिए, वाइल VoLTE की जहां तक बात है वो डेटा एंड वॉइस दोनों के ट्रांसफर के लिए डिजाइन किया गया है। अब पैरेलल सपोर्ट की बात करते हैं, तो VoLTE और LTE के बारे में, तो LTE में मे और मे नॉट सपोर्ट डेटा यूजेज एंड वॉइस कॉल टुगेदर। वो सपोर्ट कर भी सकता है डेटा और वॉइस दोनों को, या फिर नहीं भी कर सकता। इसका मतलब ये है कि आपका अगर मोबाइल फोन शुरू है, डेटा शुरू है उसमें, और कुछ चीज डाउनलोड हो रही है, कुछ चीज ओपन हो रही है, सडनली आपका कोई फोन आ जाता है, तो उसके बीच में डेटा ट्रांसफर रुक सकती है, रुक जाती है कुछ फोन में, कुछ फोन में रुकती नहीं है। हालांकि VoLTE की बात करें, तो वॉल्ट की बात करें, तो उसमें डेटा एंड वॉइस कॉल टुगेदर दोनों का सपोर्ट साथ में दिया गया है। क्वालिटी ऑफ वॉइस की बात करते हैं, तो LTE में डेटा एंड वॉइस दोनों अगर आप एक साथ यूज कर रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ द वॉइस मे और मे नॉट अफेक्ट। वॉइस की क्वालिटी अगर सपोर्ट करता भी है तो भी उसकी क्वालिटी शायद सफर हो सकती है, वेल हालांकि वॉल्ट में वो क्वालिटी सफर नहीं होती है, क्वालिटी ऑफ द वॉइस वही रहती है। आज के जमाने में वॉइस कॉल की इंपॉर्टेंस यहाँ पे VoLTE ने समझी है। तो टेक डॉक हमारी चैनल है, उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।